तो चैलेंज कर रहा, लालू जी बताओ तो आप कब आरक्षण दिए। लालू जी ने जमीन के बदले नौकरी दिया, जमीन के बदले एमएलए का टिकट दिया। लालू जी ने पूरे बिहार को लूटा है, इसको छोड़ कैसे सकते। लालू जी का सपना था प्रधानमंत्री बनना, सपना पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है, उस वादा को 2025 के चुनाव के पहले पूर्ण करना है। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहे। कि बिहार में लालू परिवार छोड़ के है क्या? राजद का मतलब लालू परिवार हो कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाए। और इसी पटना में जहां लालू जी का जब तक राज रहा, पूरे बिहार में भी 400 मेगावाट बिजली यूज नहीं होता। लालू यादव जी ने मेरा घर तोड़वा दिया, हम लोगों ने एक मच्छर नहीं मारा था, जेल में रहा हूं 88 दिन। शिक्षकों को नौकरी किसने दिया? डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नीतीश कुमार जी। हाँ, एडी के पास एक ही तंत्र है, वो है अफवाह फैलाना। नमस्कार, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के साथीगण, हमारे पार्टी के सभी मीडिया से जुड़े हुए साथीगण, मैं सर्वप्रथम सभी भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इन्होंने लगातार पिछले 2.5 महीने से लगातार एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 पार और बिहार की 40 की 40 सीट जीतने के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, सभी मीडिया के भी साथी को धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार कवरेज भी किया सारी चीजों को, प्रचार अभियान चले। अब परसों अंतिम मतदान भी है और 4 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला है, तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। एक अप्रिय घटना अभी तक छपरा में हुआ और पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए, ये इतिहास के लिए एक अच्छा दिन भी है और आगे परसों का भी चुनाव हो, पूरी तरह शांति से हो, सबके सहयोग से चुनाव हो और बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश ने जो इस तरह का मूड दिखाया, उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है और बिहार की भी जनता का जो आशीर्वाद है लगातार मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। और हम लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि दो गारंटी हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर पर कहा है। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहे, गरीब कल्याण का काम होता रहे और देश को श्रेष्ठ बनाने के सारे काम किए जाए। उसी तरह दो मुद्दे हमारे भी स्पष्ट हैं कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाए। 2025 के चुनाव के पहले अपराध मुक्त माफिया मुक्त बिहार बनाना है। और दूसरा, जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है, उस वादा को 2025 के चुनाव के पहले पूर्ण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाली बकते रहे हमें, हमारे परिवार को। अब बेचारे को कुछ पता ही नहीं है तो क्या किया सकता है। पहले तो वो एनडीए सरकार के कामों की उपलब्धि अपने गिना है, तो बेचारे को संविधान का ही ज्ञान नहीं है, संविधान का पढ़ाना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि बिहार में लालू परिवार छोड़ के है क्या? राजद का मतलब लालू परिवार हो, पूरा सीरीज बना हुआ है, किसके बारे में बात करें?
लालू जी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करना होगा। लालू जी ने जमीन के बदले नौकरी दिया, जमीन के बदले एमएलए का टिकट दिया, जमीन के बदले भारत सरकार में मंत्री बनाया, तो चर्चा कोई पाकिस्तान का करेंगे क्या? एकदम लालू जी ने पूरे बिहार को लूटा है, इसको छोड़ कैसे सकते हैं? बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस व्यक्ति ने बिहार के पशु के चारा को खाने का काम किया हो, अलकतरा पीने का काम किया हो, बाढ़ घोटाला किया हो, तो उसके बाद भी कहते हैं किसकी चर्चा करूं? मोदी जी की चर्चा आप सुन नहीं सकते हैं। तो आपको क्या सुनाना है? मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया और साफ साफ बताया गया आजादी के 70 वर्षों में जितने घर नहीं बने उतना उससे अधिक घर मोदी सरकार ने 10 साल में बनाए। बिजली का गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने, और इसी पटना में जहां लालू जी का जब तक राज रहा पूरे बिहार में भी 400 मेगावाट बिजली यूज नहीं होता था, आज सिर्फ पटना में 800 मेगावाट यूज होता है। अब यही तो बदलाव है, घर घर बिजली पहुंचा दिया, खाने के लिए अनाज दिया गया। जब कोरोना की स्थिति थी तब खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था, दुनिया में कोई नहीं दिया। वैक्सीन देने का काम मोदी सरकार ने, अब तो इलाज कराने का काम भी मोदी सरकार कर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे स्केल पर होंगे सबका ईपीएफओ कटता है। तो आप समझिए, जहां जिस प्रदेश में मात्र 11 करोड़ 2014 तक 11 करोड़ लोग थे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो 27 करोड़। 27 करोड़ का मतलब क्या होगा? 16 करोड़ लोग सीधे इंप्लॉयमेंट से जुड़े। ये तो देखने वाला नहीं है ना कोई। ये लालू यादव के परिवार को क्या लेना देना इससे? लालू यादव के परिवार कभी विकास की बात कर ही नहीं सकता, बिहार को लूटने को छोड़कर। और क्या काम किया? लेकिन ये सम्राट जी गरीबी बेरोजगारी और महंगाई को तो वही तो बता रहे, महबूबा बता रहे थे। अब बोलने से तो आप चला रहे हैं, ये आपको नहीं समझना है कि आप अपना क्वालिटी क्या करना चाहते नहीं। आपको यदि अपनी क्वालिटी ठीक करनी, अब तो चुनाव लगभग खत्म हो चुके, मैं एक ही आग्रह करूंगा कि कोई संविधान खतरे में रहता देता है आपके, आप चलाने लगते हैं भाई, इसको सुधारिए। तो 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, लालू जी का सपना था प्रधानमंत्री बनना, सपना पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री, और लालू जी को चैलेंज करता हूं कि बताए कि कब आरक्षण दिया हो, ये तो कभी आप दिखाएंगे ही नहीं। किसी मीडिया ने नहीं लिखा होगा कि लालू ने कभी आरक्षण नहीं दिया। तो देखिए, आपको जो दिखाना आप दिखाते रहिए, आप उसके लिए स्वागत योग्य हैं। सच्चाई दिखाने का काम कीजिए, पता चल जाए। सम्राट जी हर मंच से आप कहते हैं कि माफिया को खत्म कर देना, कहीं ना कहीं आपकी क्या मजबूरी है कि चुनाव था कि उसकी एकदम? मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, गलत कहीं पहले हटा दी। नीतीश कुमार जी ने ही कानून का राज बिहार में स्थापित किया। मैंने वो भी दिन देखा, हमारे घर में मेरे पिताजी से पहले 4 टर्म एमएलए रहे, लालू यादव जी ने मेरा घर तोड़वा दिया। हम लोगों ने एक मच्छर नहीं मारा होगा, जेल में रहा हूं 88 दिन लालू यादव के अत्याचार को सहा, वो दिन भी देखा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून का राज स्थापित, और जो माफिया उसके लिए कानून बनाया, जो जो उसमें संलिप्त हो उसको जेल में डालूंगा। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चा हो रही है, ये बेकार का फालतू की बात है। अच्छा तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? प्रदेश तेजस्वी यादव तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो भ्रम ही फैलाएंगे ना। अरे आप नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी के पूरे चुनाव कार्यक्रम को आप सुनिएगा तो आपको अपने लगेगा नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। सम्राट जी, आपका कहना है कि बिहार में बीजेपी जो है वो फेल हो गई है और कमल मुरझा गया है।
अच्छा ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी, श्रम मंत्रालय आपके मंत्री विजय सिन्हा जी के पास था और भरी अधिकारियों के बीच में मीडिया कर्मी ने डाटा मांगा कि कितना कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री जी से उपलब्ध नहीं हुआ। नहीं, इंटरनेट पर उपलब्ध है सर, इसके लिए पूरा देश जानता हो, हम क्यों नहीं जाने? आपको नहीं देखिये, पूरी तरह ये पूरा डाटा इंटरनेट पर उपलब्ध है, ये कोई घर में रखने वाली चीज नहीं है। सारे समस्या को किसने नौकरी दिया याद कीजिए, ठीक प्रश्न किया। शिक्षकों को नौकरी किसने दिया? डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नीतीश कुमार। यूनिवर्सिटी बीपीएससी से परीक्षा किसने कराया? नीतीश कुमार ने। सारी सुविधा हम देंगे और साहब को भी पढ़ाना तुमको पड़ेगा, इसमें क्या दो, बच्चे को पढ़ाना, हमारी क्वालिटी ठीक करना है। परीक्षा का एक ही कारण है कि हमारी क्वालिटी अच्छी। हमारे शिक्षक को किसी ने नहीं कहा है कि नौकरी खत्म हो जाए, 100% मैं गारंटी देता हूं एनडीए की सरकार एक भी शिक्षक के नौकरी को समाप्त नहीं करेगी। हमने कोर्ट में लिख के दिया और आगे भी तय क्वालिटी, इसलिए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ के इश्यूज पर आरजेडी ही हल्ला कर रही, तो हम तो क्वालिटी सुधारने के प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं और सुधार की जरूरत होगी आप किया जाए। किस चीज का चुनाव आयोग क्या प्रश्न? अभी तक तो चुनाव पे ऐसा कोई घटना, अभी तक तो उन्हीं की बहन पर आरोप है कि उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, जब हम लोगों ने कहा तब FIR। आप सोचिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरह से उस दिन जबकि घटना घटी तो रोहिणी आचार्य ने वहां जाकर पूरे बूथ को डिस्टर्ब करने का काम किया और FIR जब पूरी घटना घट गई तब जाके FIR हुआ। हम लोगों ने कहा इसको जांच करो, आखिर कोई घटना घटता है उसका नियम क्या होता है, कहां से शुरुआत हो, कार्रवाई तो होगा, थोड़ा कैसे जा सकता है। आईटी सेल को चलाने वाले एक शख्स ने राजभवन पर आरोप लगाया है कि वहां दो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, ईवीएम के एक्सपर्ट। देखिए आरजेडी के पास एक ही तंत्र है, वो है अफवाह फैलाना, आरक्षण खत्म, 2015 का चुनाव उसी के आधार पर चुनाव लड़े थे लालू जी, तब भी आरक्षण खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, लालू जी बताओ तो आप कब आरक्षण दिए, एक वर्ग का नाम बताए जिसको आरक्षण देने का काम। लालू जी विरोधी है, गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी है, उनके परिवार में लोग बैठ गए वही आरक्षण। ये अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, जबरदस्ती लूट लेगा, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है। और सीएम हाउस में बैठकर रंगदारी तय कराने वाले यही मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद, कोई दूसरा नहीं, आगे भी यही कराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं होना है, बिहार की जनता जानती है, लगातार चल रहा है, दो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी किसी भी बिल में घुसे हो उसको निकाल कर ही पुलिस काम करेगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कल से आप सभी पत्रकार बंधुओं से पार्टी कार्यालय में ही जो है मिलना होगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद।